ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सभी भक्तों का स्वागत है आज के वीडियो में। भक्तों, आज का वीडियो अगर आपने पूरा सुन लिया तो जीवन में कभी भी कोई संकट आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि उपाय तो हम हर कर रहे हैं। सोमवार का उपाय कर रहे हैं शिव भगवान का, मंगलवार का उपाय कर रहे हैं बालाजी महाराज का, विष्णु जी महाराज का उपाय कर रहे हैं, माता पार्वती का उपाय कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का उपाय कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। थक जाते हैं उपाय करते करते, परंतु फल नहीं मिल रहा है। कारण क्या है इसका? पहला कारण ये है कि हम शुद्ध मन और शुद्ध भाव से देवता की स्तुति नहीं करते हैं। और जहाँ शुद्ध मन और शुद्ध भाव नहीं होता है, वहाँ देवता का वास नहीं होता। तो कबीरदास जी महाराज का एक दोहा याद आ रहा है मुझे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। शायद इस दोहे से आप समझ गए होंगे कि हमें भक्ति भाव, चाहे हमारे ऊपर मुसीबत हो या न हो, नित्य प्रतिदिन जो भी इष्ट है उसका स्मरण, उसका ध्यान हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अगर मुसीबत आन पड़ी और हम देवता के पास गए तो वो भक्ति थोड़ी ही है, वो सौदा कर रहे हैं कि महाराज मेरे ऊपर ये कष्ट आ गया, इस कष्ट का आप निवारण करो, मैं आपको 1,00,000 रुपए का श्रावणी प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपको चांदी का छत्र दान करूंगा। ये भक्ति नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर नित्य प्रतिदिन भगवान को दीप जलाया जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान की स्तुति की जाए, घर में शिव स्त्रोत का पाठ किया जाए, घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, देवताओं का भजन किया जाए, तो मनुष्य के ऊपर विपदा आती नहीं है, कभी विपदा नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि आप मुझे बुलाओ तो सही, मैं आने के लिए तैयार बैठा हूँ। भाव से बुलाओ, भक्ति से बुलाओ, मन से बुलाओ, आने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन हम जब भी हमारे आस पास सुख होता है, हमें ना भगवान याद आता है, ना ईश्वर याद आता है, ना कोई देवी याद आती है, ना कोई देवता याद आता है। जब भी हमारे सामने संकट के बादल छा जाते हैं, हमें भगवान शिव याद आने लगते हैं, भगवान विष्णु याद आने लगते हैं, हनुमान जी महाराज याद आने लगते हैं, कृष्ण भगवान याद आने लगते हैं। तो ये बात सोचने योग्य है। विचार कीजिए, आप इस पे सोचिए, हमारे घर के अंदर जो भी हमारा इष्ट है उसकी प्रतिमा होनी चाहिए, उसका नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ होना चाहिए, जो भी विधि विधान पूर्वक हो। कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, किसी चीज की घर में कमी नहीं रहेगी। लेकिन उस पूजा पाठ के नियम होते, घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। जो भी घर के अंदर बुरे कार्य हो रहे हैं, मांस का सेवन हो रहा है, मदिरा का सेवन हो रहा है, उनको दूर कीजिए। ईश्वर की भक्ति में सुबह शाम अपने जीवन को लगाइए और फिर देखना जीवन कितना आनंदमय हो जाता, सुख का अनुभव होता है। और वही समय होता है जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता। और जिस दिन आप अपनी आत्मा से ईश्वर का स्मरण करने लगे, ईश्वर का ध्यान करने लगे, उस दिन आपको अपने इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। उसी दिन जो भी आपका इष्ट है उसके दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होंगे। और जिस दिन आपको अपने इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए, उस दिन आपका जीवन सफल हो गया, 84 की योनि से मुक्त हो जाएगा, सांसारिक भव बंधन से मुक्त हो जाएगा और जीवन में आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन भक्ति भाव आपको नित्य प्रतिदिन करना है, मुसीबत के समय सुख में भी आपको करना है, जब आप करोड़ों में खेल रहे हैं तब भी ईश्वर का ध्यान करना है, और जब आप गरीबी झेल रहे हैं तब भी ईश्वर का ध्यान करना है। और जिस दिन ये नियम आपने बना लिया, उस दिन जीवन है वो आनंददायक महसूस होगा, जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अरे जे भाई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। इस दोहे को हमेशा याद रख और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ना बालक की दिक्कत होगी, ना धन की दिक्कत होगी, ना जानवरों की दिक्कत होगी, ना पैसे की दिक्कत होगी, ना स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, चारों तरफ से खुशियां जीवन में भरी होंगी। नित्य प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का स्मरण करें, अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में ना उलझाकर ईश्वर के ध्यान में लगा दें। वही जगत के पालन करता है, वही जगत के संहार है, वही कल्याण करेंगे, वही मोक्ष, उन्हीं का ध्यान नित्य प्रतिदिन अपने हृदय में रखो। इन नियमों से अपना जीवन यापन करो, फिर देखना जीवन कितना आनंद पूर्वक बन जाएगा। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।